आज हम 10 डिलीवरी करेंगे। जैसे रोज आप अपना जूता पॉलिश करते हैं, आज वो चल दिया लगता है हमारा मक्की डे है। सर आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं, हम तो थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। सर आज आज डिलीवरी करेंगे हमारा हाईएस्ट। आप तो बहुत थोड़ी से हमारे साथ सीरियस भी नहीं देख रहे हो। हमारा कदर का तुम जो देख रही हो। खाना खाना मतलब हमने काम होता है। अच्छा नहीं लगता तुमसे काम करवाने। आप थोड़ी ना करा रहे हैं, हम कर रहे हैं अपना मर्जी से। तुम ऑर्डर दिए, किसी और को दे दिया। फाइव स्टार जरूर दे देना, ठीक है? दो फाइव स्टार हमारा तो गया ना, दो डिलीवरी का पैसा। वो मजदूर है इसीलिए मजबूर है, या फिर वो मजबूर है इसीलिए मजबूर है। आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा रेटिंग एकदम से डाउन हो गया। आपको पता है कितने लकी हो? टाइम पे पैसा, आपकी मर्जी पे शिफ्ट, पर आप लोग तो आधे बोनस कम से कम। अगर तो बस चुप रहने का है मैडम। कपिल शर्मा जब साल 2005 में जलंधर के कॉलेज में मास्टर्स कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात गिन्नी चतरथ से हुई थी। अमीर परिवार की लड़की और गरीब लड़का और दोनों के बीच प्यार, फिल्मों में तो ये खूब देखा जाता रहा। लेकिन ऐसी ही फिल्मी कहानी कपिल शर्मा की लव स्टोरी की भी रही है। अब कपिल शर्मा अपने शो के सीजन में लगभग 50 करोड़ रुपए लेते हैं। अब कपिल की ये मोटी कमाई खर्च करती है उनकी पत्नी गिन्नी। हाल ही में आज तक को दिए इंटरव्यू में जब कपिल से सवाल पूछा गया कि क्या वे 300 करोड़ के मालिक हैं, इस पर कपिल शर्मा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मेरे पास पैसे तो काफी हैं, लेकिन एक सीमा के बाद पैसे सिर्फ नंबर रह जाते हैं। अच्छा घर गाड़ी और परिवार पास हो तो उसके बाद कितना भी पैसा हो फर्क नहीं पड़ता। मैं खर्चीला नहीं हूँ, मेरी पत्नी गिन्नी पैसे खर्च करती है। इसका कारण ये भी है कि वो अमीर परिवार से बिलोंग करती है, तो उसने बचपन से ही किया है। स्ट्रगलिंग के दौरान कपिल शर्मा ने मुंबई में कई अजीब दिन भी देखे हैं। कपिल शर्मा खुद भी अपने किस्से शो के दौरान मजाकिया अंदाज में सुनाते रहते हैं। एक बार साइकिल पर चलने के कारण कपिल शर्मा को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। इसका किस्सा भी कपिल ने अपने शो में ही शेयर किया था। अब हर सीजन का 48 करोड़ लेते हैं कपिल शर्मा। लेकिन अब कपिल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर कॉमेडियन और एक्टर्स में गिने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा ने कपिल शर्मा शो के तीसरे सीजन के हर एपिसोड का 30 लाख रुपए लिया। इस सीजन में 80 एपिसोड के हिसाब से कपिल ने 48 करोड़ रुपए चार्ज किए। इससे पहले इस शो के दूसरे सीजन में कपिल शर्मा ने 20 लाख रुपए हर एपिसोड के चार्ज किए थे। कॉमेडी शो के साथ कपिल शर्मा म्यूजिक वीडियो भी करते हैं, साथ ही विज्ञापनों और एक्टिंग की भी खासी फीस चार्ज करते हैं। हाल ही में कपिल शर्मा अपनी फिल्म जिगाटो को लेकर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कपिल शर्मा की फिल्म 17 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया गया था। मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।